नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम 20 अगस्त को खत्म हो चुका था और उसका आंसर की भी आज डिक्लेयर हो चुका है। आंसर की हो सकता है कि कल डिक्लेयर हुआ होगा, बट आज से आप अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं। और एसएससी का एमटीएस से एसएससी एमटीएस का आंसर की चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खोला है, जो कि है ssc.nic.in। आपको भी लॉग इन करना है किसी भी ब्राउजर में। उसके बाद आप जाएंगे नीचे नीचे, जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ देखिएगा लेटेस्ट अपडेट में यहाँ देखिएगा क्या दिया हुआ है। 6 सितंबर को ये अपडेट हुआ, अपलोडिंग ऑफ ए आंसर की फॉर इनवाइटिंग एमटीएस नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन। अब इस लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिएगा, जैसे इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ पे हम क्लिक करेंगे और इसको फिर हम पीडीएफ इसे पीडीएफ को हम खोल लेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा ये पीडीएफ खुल चुका है और आंसर की के बारे में एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 2019 के आंसर की के बारे में यहाँ कुछ अपडेट है। तो जैसा कि आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जो एग्जाम हुआ था 2 अगस्त 2019 से 22 अगस्त 2019 के बीच में हुआ था। सीबीटी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, जो कि टीसीएस ने करवाया था। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपको आंसर की देखना है तो सबसे पहले ssc.nic.in पे जाना होगा। उसके बाद आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, यूजर आईडी, दैट इज रोल नंबर होना चाहिए, और पासवर्ड एज पर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट। मतलब पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा। मोबाइल या ईमेल पर आपके ओटीपी आएगा, उससे आप रीजनरेट कीजिएगा पासवर्ड को। या फॉर्म भरते समय जो आपने पासवर्ड किया होगा, मान लीजिए 6894 कुछ पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड आपको फिल करना होगा, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया तो 4 अंकों का कुछ पासवर्ड होगा, उसको आप यूज कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको ₹100 का एक फी पेमेंट करना होगा, तभी आप किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पे चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अपने आंसर की का। और यहाँ पे एक देखिए लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे एक लिंक दिया है कि द कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आंसर की, ठीक है। तो इस लिंक पर जब आप क्लिक कीजिएगा, और ये अपडेट कब का है, 6/9/2019 का अपडेट है। तो चलिए हम पहले कोशिश करते हैं, इस लिंक पर क्लिक करते हैं। इस लिंक पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपसे वेब ब्राउजर पूछेगा, मोबाइल में अगर लॉगिन आपने किया है, और एक नया पेज खुल जाएगा। तो हो सकता है कि अभी इस पेज को खुलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सर्वर बिजी है। हो सकता है कि दोपहर तक ये वेबसाइट सही से काम करे, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी, और ये पेज अभी तक फाउंड नहीं किया जा रहा। मतलब इसका मतलब क्या है कि आंसर की अभी शायद अपलोड हो रहा है या फिर सर्वर बिजी है, तभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आज दोपहर में कभी भी आप अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल यही छोटा सा अपडेट था एसएससी एमटीएस 2019 के आंसर की के बारे में। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।